हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश माही, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माही टेक्निकल क्लासेस। जैसा कि स्टूडेंट्स लिमिट पढ़ा रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, और लिमिट में आज हमारा ये लास्ट वीडियो लेक्चर होगा। इससे पहले हम बहुत सारे वीडियो लेक्चर पे डिस्कस कर चुके हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे भी डिस्कशन चल रहा है स्टूडेंट्स। जैसे देखिए ये तीन क्वेश्चन आपके सामने है, 1, 2, 3, और तीनों एक ही टाइप का क्वेश्चन है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का सोल्यूशन करने के लिए कुछ बेसिक पॉइंट पर पहले चर्चा कर लेते हैं, और बेसिक पॉइंट क्या है उस पर थोड़ा विचार करिए। पहले आप लोग ये चीज पढ़ चुके होंगे, ठीक है, क्लास 9th या 10th में, या फिर कभी भी आप पढ़ाई के दरमियान ये फॉर्मूला पढ़े होंगे जो कि मैं अभी बताने जा रहा हूँ। जैसा कि देखिए स्टूडेंट्स, 1+2+3+... लगातार प्राकृत संख्याओं का योग, द सम ऑफ कंटीन्यूअस नेचुरल नंबर, इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स n(n+1)/2। यही पढ़े हैं आप लोग, क्या पढ़े हैं, 1+2+3+...n, ये होता है n(n+1)/2। तो डायरेक्ट 2 नहीं होता है, ये होता है 2 का फैक्टोरियल। क्या होता है, 2 का फैक्टोरियल, इसको हम लोग लिखते हैं 2 का फैक्टोरियल, और 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो डायरेक्ट हम लोग 2 ही बताते हैं बच्चे को। सेकेंड नंबर होता है स्क्वायर का, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ...n का स्क्वायर। तो स्क्वायर वाला में स्टूडेंट हो जाता है ये n(n+1)/(2n+1)/3 का फैक्टोरियल मतलब 6। और एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट 3 नंबर में, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब ...n का क्यूब, इसका होता है फर्स्ट वाला फॉर्मूला लिख ली n(n+1)/(2)^3। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला है। एक मिनट मारकर सब क्या चलने लगा। तो इसी फॉर्मूला पे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। इसी फॉर्मूला का यूज करके हम इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन स्टूडेंट्स कैसे होता है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, लिमिट n(n+1)/(2)(n)/(n)/(n)/(n)^2। ये हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, n इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। अगर हम जहां जहां n लिख रहा है, क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे ना उसमें हमने यहां पर n दिए थे, और यहां n x के तरह लिखा गया था गलती से। ये n है तो यहां n ही होगा, अगर ये x है तो यहां पे x लिखाएगा। लेकिन स्टूडेंट ये n टेंड्स टू इंफिनिटी और इतना सारा प्रोडक्ट होगा। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो विधि क्या लिखेंगे, लिमिट n goes to infinity, और यहां देखिए सब में n square है, तो मैं n square common ले लेंगे, ऊपर बचेगा 1+2+3+...n। क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में, कि ऊपर में देखिए 1+2+... कहां तक गया, n तक। ये वाला फार्मूला यूज होगा ना, फर्स्ट वाला फार्मूला, n square नीचे उसको रहने दो, लिमिट n tends to infinity, ये हो जाएगा आपका n(n+1)/2 n² यहां से एक n कट जाएगा स्टूडेंट्स, तो बचेगा आपका लिमिट n tends to infinity, ऊपर में बच रहा है n+1)/2n। मार्कर चल रहा है, दूसरा मार्कर लाते हैं। अब उसके बाद लिखेंगे स्टूडेंट्स लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये 1/2 है बाहर कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर, इस n से इस ऊपर वाले को डिवाइड करेंगे, n से इस n को डिवाइड करेंगे तो 1+1/(n), ठीक है।
अब वैल्यू पुट कर देंगे, जहां-जहां n है वहां पे हम इंफिनिटी पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी, और एनी नंबर बटे इंफिनिटी का वैल्यू होता है 0। याद रखिएगा, चार नंबर में लिखा देता हूं, 1 बटे इंफिनिटी बराबर 0, 1 बटे इंफिनिटी का स्क्वायर तो भी 0, कोई भी नंबर बटे इंफिनिटी का रूप आया तो वैल्यू 0 होता है। तो स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट का वैल्यू 0 होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0, और 1/2 जब 1 से गुणा होगा तो आंसर हो जाएगा 1/2। यही हमारा कंप्लीट आंसर। तो जब ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा। जब क्वेश्चन, अब देखिए हम शॉर्टकट आंसर बताते हैं, इसका आंसर क्या होगा 1/2, इसका आंसर होगा 1/3, और इसका आंसर होगा 1/4। आप कहोगे कि बिना सॉल्व किए कैसे आंसर बता दिए, एक ट्रिक है, ये तरीका है, ऑब्जेक्टिव में पूछे, ऊपर में सब देखिए 111 और n तक है, और नीचे n स्क्वायर है सब, हमारा आंसर होगा 1/2। इसमें देखिए ऊपर में सब स्क्वायर है लेकिन नीचे में सब n क्या है, q है, तो n का पावर 3 है ना, इसीलिए मेरा आंसर हो जाएगा 1/3। लेकिन हां एक चीज ध्यान रखिएगा कि ऊपर वाला पावर और नीचे वाला पावर में एक का अंतर होना चाहिए, ऊपर में कुछ पावर नहीं है तो पावर 1 है, और नीचे में पावर क्या है 2 है, तो ऊपर का पावर नीचे का पावर में माइनस करोगे तो कितना होगा, एक का अंतर। इसमें भी देखिए स्टूडेंट, यहां पावर सबका 2 है, नीचे में पावर सबका 3 है, दोनों में माइनस करोगे तो पावर का अंतर कितना, 1। इसमें भी देखो दोनों में पावर का अंतर 1, और नीचे में सबका पावर कितना है 4, इसीलिए मेरा आंसर हो जाएगा 1/4। तो ऑब्जेक्टिव पूछे तो यही टेक्निक और ये ट्रिक अपनाना है, लेकिन जब सब्जेक्टिव पूछे तो इस प्रकार का सोल्यूशन करना है। स्टूडेंट्स समझ गए, इसको मिटाऊंगा, नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए सेकंड देखिए क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी 1 का स्क्वायर बटे n क्यूब, 2 स्क्वायर बटे n क्यूब, 3 का स्क्वायर बटे n क्यूब, डॉट 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 n स्क्वायर बटे n क्यूब, ये क्वेश्चन है हमारा। इसको लिखेंगे स्टूडेंट्स, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी, इसको लिखेंगे 1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, डॉट 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 प्लस n स्क्वायर बाय n क्यूब ना, इसको लिखेंगे स्टूडेंट्स, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी, 1 का जो स्क्वायर है 2 का स्क्वायर n तक गया है, तो सेकंड वाला फार्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा हमारा n into n plus 1 to n plus 1 by 6 into, नीचे क्या है n cube, यहां से एक n कटा दीजिए दो बचेगा, ये होगा स्टूडेंट्स लिमिट n tends to infinity, 1/6 को बाहर कर लीजिए, n plus 1 into 2n plus 1 को गुणा कर दीजिए आपस में ब्रैकेट को तोड़कर, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2n square plus n plus 2n in 3n plus 1 by n square, यही कुछ होगा, जब ये ऊपर वाले को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरह से आएगा। इसको स्टूडेंट में लिख सकते हैं, मिटा देता हूं, तो ठीक है उधर का काम हो गया, फार्मूला याद हो गया होगा। इसको लिखेंगे स्टूडेंट्स 1 by sorry limit n tends to infinity 1/6 bracket, इस n square से सबको डिवाइड कर दो अलग अलग, जब इस n square को सबको अलग अलग डिवाइड करोगे स्टूडेंट्स तो ये होगा 2 plus 3/n plus 1/n square ना, इस n square को सबको अलग अलग डिवाइड करेंगे कुछ ऐसा रूप होगा। अब क्या करना है, जहां जहां n है वहां पे ये इंफिनिटी पुट कर दो, 1/6 2 प्लस 3/इंफिनिटी प्लस 1/इंफिनिटी का स्क्वायर 1/6 2 प्लस 0 प्लस 0, क्योंकि 1 एनी नंबर बटे इंफिनिटी,
n नंबर में 10 इफेक्टिव प्लेस पर 0 होता है तो बचेगा 2/6 यानी 1/3 आंसर। तो सेकंड भी कंप्लीट, हम पहले ने किस आंसर लिखे थे 1/3 वही आया 1/3 आंसर, नोट कर लीजिए। नोट कर लो बाबू, नोट कर लिए ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उसका आंसर क्या आएगा 1/4। क्या आंसर आएगा 1/4 आएगा, कैसे बाबू रे इसको सॉल्व करो, ये तो लिखा है पहले से, तो लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी ब्रैकेट 1 का क्यूब 2 का क्यूब डॉट 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 प्लस n का क्यूब बटे n पे पावर 4। लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी 1 का क्यूब 2 का क्यूब n का क्यूब, फार्मूला क्या होता है, होता है n into n plus 1 बटे 2 का होल क्यूब, अब बटे n पे पावर 4 है उसको भी लिख दीजिए। ये होने वाला है लिमिट n tends to infinity n का क्यूब into n plus 1 का क्यूब by 2 का क्यूब हो जाएगा 8 into n पे पावर 4 होगा ना, जब इसका होल क्यूब करेंगे तो 1/8, ये n का क्यूब n प्लस 1 का होल क्यूब, ये 3 जो है इसको कटा देगा, कहीं गलती की ये नहीं लगता है, ये तो कोई भारी दिक्कत होने वाला है, इतना बड़ा गलती मैंने कैसे कर दिया, क्यूब थोड़ी होगा ये स्क्वायर होता है, तो गलती हो गई यहाँ भी था, ठीक है उसको नोट कर लीजिएगा से बाय मिस्टेक। ये हो जाएगा स्क्वायर, ये भी हो जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 × 2 = 4, ठीक है तो ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 2, ये जगह लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी बचेगा 1/4 ब्रैकेट के अंदर n प्लस 1 का होल स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1/n स्क्वायर। अब इस n स्क्वायर से सबको डिवाइड कर देंगे ऊपर, तो ये बन जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी 1/4 n स्क्वायर से डिवाइड करिए 1 + 2/n + 1/n का स्क्वायर, इनफिनिटी पुट कर दो 1/4 1 + 2/∞ + 1/∞ का स्क्वायर 1/4 1 + 0 + 0 बराबर 1/4 आंसर। ये अगेन क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट, कितना मजा आया समझ में आया। बस ये चीज दिक्कत कहां किए थे, वो जो फार्मूला लिखे थे ना उसका होल क्यूब कर देते, होल क्यूब थोड़ी होता है, कैसे होता है, गलती से होता है। स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, एक और क्वेश्चन है, ये वीडियो लेक्चर लास्ट नहीं, इसके बाद एक और वीडियो लेक्चर होगा, ठीक है उसमें भी 2 क्वेश्चन का सलूशन करेंगे और वो मेरा वीडियो लेक्चर लास्ट होगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए नोट कर लीजिए, बिताते हैं।